पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका हो गया है। पंजाब कांग्रेस की खींचतान में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी जाती दिख रही है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस भवन में शाम को विधायक दल की मीटिंग से पहले ही पार्टी हाईकमान ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा मांगा है। पिछले कई दिनों से उन्हें हटाए जाने की तैयारी चल रही थी। इसके बाद आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। जी हां, बता दें कि अब पंजाब में विधानसभा चुनाव को मात्र 6 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और कैप्टन से उन्हें इस्तीफा सौंपने को कहा गया है। नए मुख्यमंत्री के लिए सुनील जाखड़ व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सहित कुछ अन्य नामों की चर्चा जोरों पर है। वहीं बता दे कि काबिले गौर की बात है कि 3 दिन पहले करीब 40 विधायकों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास जता दिया था। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था कि कई विधायक उनके खिलाफ हैं, लेकिन जब तक वह सीएम रहेंगे कोई भी खुलकर उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। ऐसे में विधायक दल की मीटिंग बुलानी जरूरी है जिसमें 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी हों। इस चिट्ठी के आधार पर हरीश रावत ने कांग्रेस की प्रधान सोनिया गांधी से मुलाकात की और शुक्रवार देर रात को हुई। वहीं बता दें उन्होंने पंजाब कांग्रेस कमेटी से आज शाम को 5 बजे विधायक दल की मीटिंग बुलाने को कहा है। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन और हरीश रॉय चौधरी को भी भेजा जा रहा है। सुबह से यह तय हो गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने निकटवर्ती विधायकों की बैठक सिसवा फार्म हाउस पर बुलाने जा रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।